हेलो व्यूअर्स, आज हम रेक्टिलिनियर मोशन के न्यूमेरिकल के बारे के अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन की थ्योरी अपने पिछले लेक्चर के अंदर बताई थी, और अब जो है रेक्टिलिनियर मोशन के जो है रेखीय गति के न्यूमेरिकल के बारे के अंदर हम विस्तार से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल है कि ये एग्ज़ाम में भी BTR के एग्ज़ाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी बार ये आया हुआ है। एक व्यक्ति 300 मीटर चौड़ी नहर को सीधी पार करने में शांत जल में 4 मिनट तथा बहते जल में 5 मिनट लेता है, तो नहर के जल का प्रवाह ज्ञात करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद में अपन को डिसाइड करना है, यानी कि आपके देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ओ से सी तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये नहर की चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, और इसके अंदर क्या कर रखा है कि शांत जल के अंदर, तो शांत जल का मतलब है कि जो वेलोसिटी है पानी की, वेग की जो वो क्या है, नहीं है, मतलब जीरो है उसके अंदर। तो जब शांत जल के अंदर हो तो उसके कोई रिजल्टेंट अपन नहीं लगाएंगे। सिंपल सी अपनी इक्वेशन है कि आपको जो वेलोसिटी होती है वो एक्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस दे रखी है और उसके बाद के अंदर आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आपको वेलोसिटी निकालना। तो यानी कि शांत जल के अंदर आपको कोई भी रिजल्टेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर आता है कि बहते जल के अंदर, ठीक है, बहते जल के अंदर क्या होता है, अपन को रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, पानी का बहाव है, पानी का बहाव इस तरफ है, ठीक है, और आदमी जो चल रहा है उसके परपेंडिकुलर चलना चाह रहा है। ठीक है, तो जो है उसको किसी एंगल से चलना पड़ेगा, तब जाके वो एकदम स्ट्रेट वो डिस्टेंस क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक है, माना कि ये इसका रिजल्टेंट है, यानी कि ये इसकी जो है, ये क्या है, ये इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी है। जब वो किस में चल रहा है, जब वो कोई पानी बह नहीं रहा है, कोई बह नहीं रहा है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। ठीक है, और उसका जब भाव है उसका वेलोसिटी कितनी यू है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की निकालना है, यानी कि आपको ओ सी निकालना है। तो ये वी है, ठीक है, या यू है, तो ये भी वी है, यू होगी। तो आपको क्या करना है कि ये जो कर्ण है, ठीक है, कर्ण होल स्क्वायर में से इसको जो आधार है उसका होल स्क्वायर को घटाना है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे बस समझने के अंदर, तो आपको करना क्या, ये वी को यहाँ लेना है, इसको यूँ करना है, और फिर इसके बाद में 75 होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर उसको कॉस्ट के अंदर करना है। ठीक है, आगे समझ के अंदर। तो अब आपको क्या करना है, 75 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको ये जो है ये क्या है, समय है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको डिस्टेंस जो है, जो इसकी नहर की चौड़ाई है उसको इक्वल करना है। तो आपके जो ये वेलोसिटी है वी है, ये वाली वी है, ये यू की जगह यहाँ पे ये वी है, ये वेलोसिटी आपके वी निकल जाएगी। आई समझो, तो ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये आपको लिखा ली लिया आपने और ये कर ली, और आपको यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि अगर शांत जल के अंदर हो तब आपको ऐसे वेलोसिटी निकालनी है, और जब बहते जल के अंदर हो, ठीक है, तो बहते जल के अंदर U निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसका रिजल्टेंट निकालना है। निकालने के बाद के अंदर आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिंड पर v तथा 2v के वेग से 60 डिग्री के कोण पर क्रियाशील है, परिणामी वेग का मान तथा 2v के साथ दिशा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, v तथा 2v के वेग 60 डिग्री के कोण पर क्या, यानी कि आपके क्या, ये v है और ये 2v है, इन दोनों का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो आपको क्या निकालना है, इसका परिणामी वेग का मान तथा 2v के साथ दिशा ज्ञात कीजिए, यानी कि ये रिजल्टेंट है। आप समांतर चतुर्भुज के नियम से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, उसी से निकाल रहे हैं।
तो इसके अंदर क्या करना है आपको, ये टू भी ले लिया, वी ले लिया, ये रिजल्टेंट लोगे, आपने यहाँ वर्टिकल किया, ये वी है और ये वी के बराबर, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है तो ये भी 60 डिग्री का कोण बनाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका वी कॉस 60 डिग्री, वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन 60 डिग्री है। तो आपको इस वाले ये वाला जो है ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हो जाएगी आधार या बेस, और यहाँ से ये के लंब, ठीक है, और ये हो गया आपके विकर्ण हो गया। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसी हिसार पे आपको जो रिजल्टेंट इसका निकल जाएगा, और इसी तरह से इसका रिजल्टेंट का 2V से एंगल निकालना एल्फा, तो इसके अंदर आपको क्या करना, टेन टेन एल्फा इज इक्वल टू लंब बटे वे आधार करना है, और इस प्रकार ये जो है इसका जो एल्फा निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसके अंदर रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एसिलेशन, इसका मतलब क्या है कि अचर त्वरण के अधीन रेखीय गति का अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म अगर एसिलेशन होता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अगर किसी भी वस्तु है उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, यानी कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर सेकेंड पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हो, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी में चेंज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यानी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एसिलेशन जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी जब चेंज होती है तभी उसके अंदर एसिलेशन लगेगा, होएगा। अगर अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एसिलेशन का मान भी जीरो होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपके इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति के समीकरण जो है अपने जो है अब तक पढ़े हैं उसके अंदर अपन उसको शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय, ठीक है, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे वे समय। तो ये अपना क्या है, अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग और ये समय, तो इसमें चेंज होगा तो इसको अपन एसिलेशन बोलते हैं। इसको अपन सोल्व करते हैं तो v इंटू टी हो जाएगा, इजिकल टू v माइनस u हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो v इजिकल टू u प्लस एफ टी आ जाएगा। ये आपके जो है फर्स्ट नियम है या लॉ है, ठीक है। इसके बाद में हम जो है सेकेंड को करेंगे, सेकेंड कौन सा है, यू प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर है। इसको कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी लेनी है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब यू प्लस वी डिवाइडेड एट टू, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होती है, औसत वेग इंटू समय, डिस्टेंस औसत वेग इंटू समय हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है यहाँ वी की वैल्यू जो है अपने इससे यहाँ से पुटअप करनी है, तो आपने यहाँ पुटअप की, पुटअप करने के बाद में आपको ये आपके एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हम अपन को थर्ड ये प्रूफ करना है। थर्ड प्रूफ करने के लिए क्या है, अपन ने औसत वेग इंटू समय कर रखा है। अब आपको क्या करना है कि इस वाले से आपको क्या करना है, टी का मान लगाना है इस वाले से। यहाँ जो टी है, टी की वैल्यू जो है आपको क्या करनी है, यहाँ पे पुटअप करनी है। टी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके गति के तीन जो नियम हैं, एक दो और ये तीन, इसको अपन ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एन सेकेंड के अंदर चली गई दूरी निकालनी है, अगर आपके अंदर जो कांस्टेंट एसिलेशन है, इसके अंदर अगर एसिलेशन जो त्वरण का मान अगर कांस्टेंट है तो nth सेकेंड में चली हुई दूरी को निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके क्या क्या है कि u लिखा लेंगे, तो अपन क्या करेंगे, पहले एन सेकेंड में चली गई दूरी लिखा लेंगे, फिर एन वाई एन माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी लिखा लेंगे, और इन दोनों को घटाएंगे देंगे तो एन सेकेंड में ले जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको जो 10 सेकेंड के अंदर दूरी निकालनी है, ठीक है, 10 सेकेंड के अंदर दूरी चलानी है, यानी कि 10वें, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, 10 निकालना है, ठीक है, और फिर इसके बाद में 9 में निकालना है। तो 9 में से 10 को आप घटा देंगे तो ऐसे आपको एन सेकेंड में निकल जाएगी। तो एन सेकेंड में चली दूरी निकाल लेंगे, तो पहले वे एनवे सेकेंड में लिखा लेंगे अपन, ठीक है, जैसे मैंने बताया 10वें सेकेंड में लिखा लेंगे, फिर 9वें सेकेंड में लिखा लेंगे, फिर इन दोनों को जब घटाएंगे तो
तो वो एंथ सेकेंड में चली गई दूरी, यू प्लस एक बटा दो एफ कॉस्टक टू एन माइनस वन कॉस्टक आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये अगर कांस्टेंट एसेलेरेशन हो तो इस प्रकार अपन को ये गति के नियम है और इनसे जो है अपन को न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करना है। अब हम अपन लेते हैं इसी के न्यूमेरिकल्स लेते हैं, जैसे कि आपके एक पिंड अपनी यात्रा के पाँचवें तथा सातवें सेकंड में क्रमशः 30 मीटर तथा 42 मीटर की दूरी तय करता है। ये वाला जो फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है, यानी कि एंथ सेकेंड है, इसी तरह से फिफ्थ और सेवन सेकेंड, ठीक है। इसमें कितने चल रहा है आपके, ये 30 मीटर और 42 मीटर चल रहा है। उसी पिंड द्वारा उसकी यात्रा के दौरान 10वें सेकंड में तय की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि 10वें सेकंड में तय की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके अंदर 10th में दे रखा है, तो हमको क्या ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर क्या है, ना तो अपन को केवल 10वें सेकेंड में दी रही है, तो ना तो अपन को क्या पता है एफ पता है और ना यू पता है। लेकिन एफ और यू पता हो अपन को तो अपन डायरेक्ट 10वें सेकेंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले जो है पाँचवें और सातवें और 30 और 42 ये वैल्यू दे रखी है, इससे आपको क्या करनी है यू और एफ की वैल्यू निकालनी है। तो पहले के अंदर अपन पुटअप करेंगे, दूसरे में पुटअप करेंगे, इन दोनों को सोल्व करके एफ और यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब हमको एफ और यू की वैल्यू निकाल दी, अब हमको ये 10वें सेकेंड दे रखा है, तो इसमें डायरेक्ट आपको पुट करके जो 10वें सेकेंड के अंदर है वो आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोली 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड की चाल से चलकर लकड़ी के लट्ठे में 30 सेंटीमीटर ढसती है, ठीक है। यदि एक अन्य लकड़ी का तख्ता सिर्फ 10 सेंटीमीटर मोटा हो तो गोली को तख्तों को पार करने के समय का वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है दे रखा है इसने, कि इसने दे रखा है कि जो है ये जो गोली है वो लकड़ी के जो लट्ठा है, ठीक है, तख्ता है, उसके अंदर क्या की धस गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और वो रुक गई, रुकने का मतलब क्या हो गया उसका, इस रुकने का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी अंतिम वेलोसिटी है वो कितनी होगी, जीरो होगी। जीरो इससे हम क्या निकालेंगे, आपको प्रारंभिक वेलोसिटी दे रखी है, अंतिम वेलोसिटी जीरो दे रखी है, तो और आपको डिस्टेंस भी दे रखी है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखें, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आप, तो आपको जो यूनिट है उसको ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे सेंटीमीटर है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर हो तो न्यूटन के अंदर करना है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर के अंदर हो तो आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको जितनी भी यूनिट है उसको क्या करना है, जैसे आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो इसको आपको मीटर पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन एफ निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि आपकी जो है सिंपल सी अंतिम वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो आपको यू वैल्यू जो है ऑलरेडी दे रखे हैं, एफ आपने निकाल ही लिया इससे, तो आपकी इससे वेलोसिटी निकल जाएगी। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। थैंक यू।